26 नवंबर 2021 की ये घटना है। पंजाब के लुधियाना शहर में हाईवे की बैरिकेडिंग के पास एक ट्रैफिक कांस्टेबल देखता है कि एक महिला अपने साथ में तकरीबन 2.5 साल की एक लड़की को स्कूटी पर बिठाकर हाईवे से एक कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ती है। उस रास्ते पर आगे जाकर जंगल झाड़ियाँ और खाली प्लॉट थे। वो महिला उस तरफ जाती है और इस बात को वह ट्रैफिक कांस्टेबल नोटिस भी करता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो ट्रैफिक कांस्टेबल फिर से देखता है कि वह महिला उसी कच्चे रास्ते से वापस आ रही है, लेकिन इस बार उसके साथ वह छोटी बच्ची नहीं है। उसके मन में कुछ डाउट आता है। वो उस कच्चे रास्ते पर आगे जाता है। आगे जाकर देखता है कि वहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ हुआ है और उस छोटी बच्ची के पैरों के जो निशान है वो वहाँ पर दिखाई देते हैं। इधर उधर वो देखता है लेकिन उसे कहीं वो लड़की दिखाई नहीं देती। वो वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाता है। अपने एक सीनियर को भी वो इसके बारे में बताता है। फिर से वो जाकर वहीं पर देखते हैं लेकिन उन्हें वो बच्ची वहाँ दिखाई नहीं देती। उन ट्रैफिक कांस्टेबल का जो शक है वो इस तरफ जाता है कि शायद उस महिला ने उस बच्ची को शायद वहाँ ले जाकर बेचा है। यही बात उनके मन में थी और इसी बात को लेकर वो वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वह छोटी बच्ची कौन थी और जो महिला उसे वहाँ पर लेकर आई थी वह महिला कौन थी और आखिर आधे घंटे के अंदर वह बच्ची कहाँ गायब हो गई। शायद यह कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिना किसी मोटिव के, बिना किसी कारण के एक 2.5 साल की बच्ची की जान चली जाती है। जान क्यों जाती है, कौन लेता है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत पंजाब के लुधियाना शहर के सिमलापुरी इलाके से होती है। 26 नवंबर 2021 का दिन था। यहाँ पर एक परिवार रहता है जिसमें घर के मुख्य सदस्य का नाम हरप्रीत सिंह था और ये पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर थे। इनके साथ इनके पिताजी, इनकी बीवी और दो बच्चे रहा करते थे। बड़ा बेटा जिसका नाम अमरप्रीत था और एक छोटी 2.5 साल की बेटी थी जिसका नाम दिलरोज था। यह परिवार पैसे से बहुत ज़्यादा स्टेबल था, पैसे की कोई तंगी नहीं थी और पड़ोस में भी सब इनकी बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे। अब 26 नवंबर 2021 के दिन इनकी छोटी बेटी यानी कि 2.5 साल की दिलरोज घर के बाहर खेल रही थी और थोड़ी देर के बाद माँ बाहर आती है अपनी बेटी को लेने के लिए। अब वहाँ पर बाकी बच्चे तो खेल रहे थे लेकिन माँ को दिलरोज कहीं दिखाई नहीं देती। इधर उधर ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती है। अक्सर वह पास के पार्क में खेलने चली जाती थी। उस पार्क में जाकर देखती हैं तो वहाँ पर भी दिलरोज नहीं मिलती है। बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चों को भी मालूम नहीं था कि दिलरोज कहाँ है और धीरे धीरे पूरी गली में यह खबर फैल जाती है। आस पड़ोस के लोग भी दिलरोज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। 15 से 20 मिनट का समय ऐसे ही बीत जाता है। इसी बीच में जो दिलरोज की माँ होती हैं उसके पिता हरप्रीत सिंह को कॉल करती हैं, क्योंकि वह पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। वो मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ ही देर के बाद वह घर पहुंच जाते हैं और उनके साथ एक पुलिस की टीम भी पहुँच आती है। उस लड़की को आसपास खोजना शुरू कर दिया जाता है। मोहल्ले पड़ोस वाले भी और पुलिस भी लगातार उसको खोज रहे थे और शायद जिस बात की आशंका थी यहाँ पर वही हुआ। कहीं ना कहीं दिलरोज को शायद किसी ने किडनैप कर लिया था, ऐसा पुलिस वालों को लग रहा था। पुलिस सबसे पहले उस गली में छानबीन करती है कि क्या किसी के घर पर ऊपर CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो उस गली से बाहर निकलते हुए उन्हें एक घर के ऊपर CCTV कैमरा मिल जाता है। पुलिस बिना देरी किए उस CCTV कैमरे को फुटेज को कलेक्ट करती है। उस फुटेज में पुलिस को देखने को मिलता है कि जिस वक्त दिलरोज गायब हुई थी उसी समय के आसपास उसे एक महिला की स्कूटी पर आगे खड़े हुए जाते हुए देखा जाता है। अब पुलिस उस फुटेज को कैप्चर करती है और उस महिला की तलाश शुरू हो जाती है जिसके साथ दिलरोज स्कूटी पर बैठकर जा रही थी। अब जो पुलिस होती है यह हरप्रीत सिंह के घर पर आती है और उस महिला की वीडियो हरप्रीत सिंह के परिवार को दिखाने वाली थी, लेकिन पुलिस यहाँ पर शॉक हो जाती है क्योंकि जिस महिला की तलाश उन्होंने शुरू की थी वो महिला तो हरप्रीत सिंह के यानी कि दिलरोज के घर में ही उनके परिवार वालों के साथ बैठी हुई थी और वह परिवार वालों के साथ साथ दिलरोज को ढूंढने में उनकी मदद कर रही थी। पुलिस देखकर चौंक जाती है। पुलिस वो CCTV फुटेज परिवार और उस महिला को भी दिखाती हैं। दिलरोज और 3:30 से 4 बजे के बीच में तुम्हारे साथ स्कूटी पर जाती हुई दिखाई दी है।
पहले तो वह पुलिस के सामने थोड़ा ड्रामा करती है। वह कहती है कि मेरे साथ तो दिलरोज गई नहीं थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज उसे दिखाई जाती है तो उसके पास कोई चारा बचता ही नहीं है। दरअसल ये महिला उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली 35 साल की नीलम थी। अब नीलम को जब यह फुटेज दिखाया जाता है तो वह रोना शुरू कर देती है, और पुलिस जब थोड़ी सी सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को वो कहती है कि चलो मैं आपको बताती हूँ 2.5 साल की दिलरोज कहाँ है, और वह पुलिस को अपने साथ ले जाती है। उनके घर से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर हाईवे पर चलने के बाद एक कच्चा रास्ता आता है, और यह वही रास्ता है जहाँ पर उस ट्रैफिक कांस्टेबल ने इस महिला को जाते हुए देखा था। पुलिस उसके साथ उस कच्चे रास्ते पर जाती है, और उस कच्चे रास्ते पर थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें थोड़ी मिट्टी दिखाई देती है, जैसे कि वह ताज़ी मिट्टी किसी गड्ढे में उस मिट्टी को भरा गया हो। और जो परिवार वाले हैं उनकी सांसें अभी तक थम चुकी थीं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होने की आशंका है वो हो रही थी। और जो दिलरोज के पिता होते हैं हरप्रीत सिंह, तुरंत वो उस गड्ढे को खोदना शुरू करते हैं, और थोड़ी खुदाई के बाद उन्हें दिलरोज का हाथ दिखाई देता है। परिवार को जिस बात का शक था वही होता है, यानी कि उस 35 साल की महिला नीलम ने जो दिलरोज की पड़ोसी थी और दिलरोज उसे बुआ कहकर बुलाती थी, उसी ने दिलरोज को जिंदा उस गड्ढे में दफना दिया। लेकिन जिस समय परिवार ने वो गड्ढा खोदा उस टाइम पर दिलरोज की सांसें चल रही थीं। तुरंत दिलरोज को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो 2.5 साल की बच्ची दम तोड़ देती है। हालांकि पुलिस ने 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही दिलरोज को भी ढूंढ लिया था, लेकिन दिलरोज मिल भी गई थी, वो जिंदा भी मिल गई थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि वो उस बच्ची को जिंदा ही उस गड्ढे में दफना गई थी। अब 1.5 साल की बच्ची कितनी देर तक इस घुटन को बर्दाश्त कर सकती थी, और वो नहीं कर पाई, इसलिए उसकी जान चली गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बना हुआ था कि आखिर इस नीलम नाम की महिला ने उस 2.5 साल की बच्ची को क्यों मारा, उसकी क्या गलती थी, और क्या इन परिवार के बीच में कोई ऐसी रंजिश थी जिस कारण से उस 35 साल की महिला ने उस 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी। कारण जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यह जो नीलम नाम की महिला थी, यह दिलरोज के परिवार के पड़ोस में ही रहा करती थी, और इसका तलाक हो चुका था। अपने 2 बच्चों के साथ ही मायके में अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। जब पुलिस ने इससे इंटरोगेशन की, हत्या का कारण पूछा, तो कारण जानकर पुलिस भी हैरान हो गई। नीलम ने पुलिस को बताया कि पूरे मोहल्ले में जो हरप्रीत सिंह है, जो उसका परिवार है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, वो पैसे से भी काफ़ी समृद्ध हैं, उसके 2 बच्चों को मोहल्ले पड़ोस वाले बहुत प्यार करते हैं, खासकर जो 2.5 साल की बच्ची दिलरोज थी उसे मोहल्ले वाले बहुत प्यार किया करते थे। यही सारी बातें नीलम को परेशान किया करती थीं, क्योंकि नीलम के भी 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा और एक छोटी बेटी थी। उन्हें कोई ज़्यादा प्यार नहीं करता था क्योंकि नीलम का तलाक हो चुका था और वह अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर में कुछ संदिग्ध लोगों का भी आना जाना रहता था, जिस कारण से मोहल्ले में उसकी इमेज भी सही नहीं थी, और मोहल्ले वाले थोड़ा उसके बच्चों को और नीलम को अवॉइड किया करते थे, और इसी कारण जो नीलम है उसके मन में एक घृणा, एक जलनपन बनी हुई थी मोहल्ले पड़ोस के लोगों को लेकर। और इसी के चलते जो नीलम है उसने अपना घर भी बदल दिया था। जिस दिन उसने दिलरोज की हत्या की उसी दिन उसके अपने घर का सारा सामान दूसरी जगह पर शिफ्ट किया था, लेकिन जब वो खुद वहाँ से जा रही थी तो उसे दिलरोज खेलते हुए दिखाई देती है, और उसके मन में जो घृणा, जो गुस्सा, जो बदनामी का डर उसके दिल में बना हुआ था, उसी के कारण उसने दिलरोज को अपनी स्कूटी पर बिठाया, क्योंकि दिलरोज भी उसे अच्छे से जानती थी, वो उसे बुआ कहा करती थी, और वो तुरंत उसके साथ स्कूटी पर बैठ गई। और इस 35 साल की महिला नीलम ने जाकर पहले उसके सिर पर एक ईंट मारी, और ईंट मारने के बाद उसे जिंदा ही गड्ढे में दफना दिया। सोचने वाली बात तो यह है कि इस नीलम नाम की महिला का ना तो उस परिवार से कोई झगड़ा हुआ था, सिर्फ था तो मन में एक जलन वाली भावना, और उसी जेलसी की भावना के चलते उस 2.5 साल की बच्ची को जिंदा दफना दिया। सोचने वाली बात यह भी है कि आखिरकार उस 2.5 साल की बच्ची का इसमें क्या कसूर था। आपको भी इस घटना से कुछ सीख लेनी चाहिए, ताकि आपके भी घर में कोई बच्चे हैं तो आपको हमेशा उन पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि समय वो आ गया है कि जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपके साथ विश्वासघात करता है। पुलिस ने इस नीलम नाम की महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और कोर्ट ने उस नीलम को फांसी की सज़ा सुनाई।
इस महिला को जो फांसी की सजा मिल गई, लेकिन वो 2.5 साल की बच्ची वापस नहीं आ पाई, जिसका इस पूरे मामले में कोई कसूर नहीं था। आपने इस घटना से क्या शिक्षा ली, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसी कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।